और अब रुक करते हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए। परिसीमन के आधार पर जिला प्रशासन को किस वार्ड में किस जाति की कितनी आबादी है, इसके अलावा वार्ड के आरक्षण का प्रारूप भेजना होगा और आज आखिरी दिन है। नगर निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग ने सभी शहरों का परिसीमन कर दिया है। अब उसी परिसीमन के आधार पर जिला प्रशासन को उस वार्ड की जनसंख्या और किसकी कितनी आबादी है, इसके अलावा वहां पर टेंटेटिव रिजर्वेशन का जो प्रारूप है, यानी कैसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इसका एक खाका बना करके नगर विकास विभाग को भेजना है। आज प्रदेश के सभी जिलों में ये प्रारूप शासन को भेज दिए जाएंगे। तो देखिए, परिसीमन के बाद अब ये माना जा रहा है कि मोटा मोटी तौर पर हर किसी को कितनी आबादी में, कितनी जनसंख्या में, कितनी जाति के कौन लोग हैं, आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए, ये मोटा मोटी खाका बना करके भेजना ही होगा और इसीलिए इसे भेजने का आज आखिरी दिन है। इसी आधार पर आरक्षण तय हो पाएगा। तो देखिए, अहम दिन रहेगा। परिसीमन के बाद जिला प्रशासन ने वार्ड की जनसंख्या और कितनी आबादी है वहां के टेंटेटिव रिजर्वेशन का प्रारूप बनाकर नगर विकास को भेजना है और इसकी आज मियाद पूरी हो जाएगी। आज आखिरी दिन है, डेडलाइन है। इसी के तहत देखना यह होगा कि निकाय चुनाव से पहले, परिसीमन के बाद किस तरीके का खाका बनकर के तैयार होता है, क्योंकि इसी आधार पर आरक्षण का प्रारूप बनकर के तैयार होगा और किस वार्ड में कितनी, किस जाति के कितनी आबादी, कितने लोग हैं, ये तमाम चीजें भी एक प्रारूप के तौर पर, हालांकि ये टेंटेटिव होगा, बहुत साफ नहीं हो सकता है, क्लियर कट डेटा नंबर नहीं होंगे, लेकिन प्रारूप जरूर होगा जिसे भेजने का आज आखिरी दिन है। निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग ने सभी शहरों का परिसीमन कर दिया है। उसी परिसीमन को आधार मान करके जिला प्रशासन को उस वार्ड की जनसंख्या और किसकी कितनी आबादी है, इसके अलावा वहां पर टेंटेटिव रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, इसका प्रारूप नगर विकास विभाग को भेजना है। देखिए, परिसीमन हुआ है, वार्ड और संख्या भी बढ़ी है, ऐसे में किस तरीके से आरक्षण का प्रारूप तैयार किया जाना है, ये आज खाका भेजना ही होगा। तो निकाय चुनाव की घड़ी निकट आने से पहले देखिए, हर एक तैयारियों पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते देख रहे हैं आप। जहां आज आखिरी दिन है नगर निकाय चुनाव के लिए, नगर विकास विभाग को एक रिपोर्ट भेजनी है क्योंकि शहरों का परिसीमन हुआ है, परिसीमन के बाद परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में हर, तो चलिए आज आखिरी दिन है तो किस तरीके से काम चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी हैं अनुभव, रतीश और सनोज, यानी कि लखनऊ, कानपुर और मेरठ में किस तरीके से इसे लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है या फिर कुछ काम बाकी है। शुरुआत करते हैं लखनऊ से। अनुभव, ये बताइए कि किस तरीके की जानकारी आ रही है कि जहां अब टेंटेटिव रिजर्वेशन का जो प्रारूप है नगर विकास को भेजने की आखिरी तारीख है, क्या सारा काम हो गया है या कहीं कुछ पेंडिंग है? देखिए, नगर निकाय के जो चुनाव हैं, हम कहें स्थानीय निकाय के चुनाव, वो दिसंबर में प्रस्तावित हैं, यानी दिसंबर में हो सकते हैं। और उससे पहले अब हर कोई यही जानना चाह रहा है कि भाई हमारे वार्ड में क्या रिजर्वेशन होगा, हमारी नगर पंचायत में क्या रिजर्वेशन होगा, हमारी नगर पालिका में क्या रिजर्वेशन होगा और हमारे नगर निगम में क्या जो रिजर्वेशन है वो रहेगा, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव नगर विकास के अमृत अभिजात, उन्होंने सभी जगहों का, चाहे हम शहर कहें, नगर पंचायत कहें, हर जगह का जो डिलिमिटेशन था, यानी परिसीमन करके, वो सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, सभी जिलों में भेज दिए। अब जिला अधिकारी को ये पता है, जैसे लखनऊ की बात कर लें कि यहाँ पर 110 वार्ड है और इस वार्ड की सीमा क्या है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इस वार्ड की सीमा कहाँ तक है। अब उसी के आधार पर उनको एक रिपोर्ट भेजनी है शासन को, वहाँ कुल कितनी आबादी है उस वार्ड में और किस जाति के, किस वर्ग के कितने लोग हैं, क्योंकि जो रिजर्वेशन होगा वो उसी के आधार पर होगा, आबादी के आधार पर होगा। और उसके लिए ये तय किया सरकार ने, नगर विकास विभाग ने, कि 4 तारीख यानी 4 नवंबर तक सभी जिलों से वो रिपोर्ट आ जानी है। आज वो डेडलाइन है, आज वो आखिरी दिन है और सब जिलों से ये रिपोर्ट आज पहुंचेगी, नगर विकास विभाग को पहुंचेगी। देखिए, महत्वपूर्ण काम तो जिले के अधिकारी करेंगे, जिलाधिकारी करेंगे, क्योंकि उन्हीं को रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया गया है और वही रिजर्वेशन तय करके भेजेंगे। लेकिन उस प्रारूप को यहाँ पर देखा जाएगा, लखनऊ में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव देखेंगे, तमाम अफसर देखेंगे और उसके बाद यहाँ से जब वो ओके हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि रिजर्वेशन 3 से 4 दिनों में, हम कहें तो, जारी कर दिया जाएगा तमाम सारे शहरों में। और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि भाई हमारे यहाँ रिजर्वेशन क्या होगा, यानी किस कैटेगरी के लिए वो सीट रिजर्व होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यही आने वाले वक्त में तमाम जो उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं वो अपनी टिकट सुनिश्चित करने की ओर देख पाएंगे जब तक उन्हें पता नहीं रहेगा कि उनकी सीट कहां से आरक्षित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।